हेलो एवरीवन वेलकम टू अर ऑनलाइन क्लासेस दिस इज प्रवीण हेयर एच पी टेट जुलाई 2024 के लिए यहाँ पे हम आंसर की डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्ड वीडियो इस पेपर की आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएगी जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्या एडिशनल क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट जिन्होंने भी हमें बहुत सारे डी करे हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स ने इंस्टाग्राम पर मुझे डी uh, करे हुए हैं और आपने व्हाट्सएप नंबर हमारे जो नीचे दिया गया है इस पर बहुत सारे मैसेज भेजे हैं आपके वोट ऑफ थैंक्स हमें मिले हैं तो हमारी तरफ से भी आपको एक बिग थैंक्स कि आप हमें सपोर्ट करते हैं साइकोलॉजी सीरीज़ जो हमने लास्ट टाइम टारगेट एच पी टेट शुरू करी थी टॉपिक वाइज एन सी आर टी बेस्ड तो उससे आपका बहुत प्यार मिला और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे हेल्प मिली आप भी अगर नए हैं एच पी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एक सीरीज़ चल रही है उसमें हम आगे भी एन सी आर टी से बहुत सारे टॉपिक करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक एच पी टेट में अब आ रहे हैं उनको भी मैं उस सीरीज़ में आगे करवाने वाली हूँ उसमें हमने ट्वेंटी सिक्स या ट्वेंटी सेवन पार्ट आई थिंक कंप्लीट कर लिए हैं आगे भी उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम यहाँ पे पहले करते हैं डिस्कस आंसर्स और उसके बाद लास्ट में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं टेट के रिगार्डिंग आपको बताने वाली हूँ फर्स्ट है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वॉज प्रपोज बाय बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है विच थ्योरी सजेस्ट दैट फॉर गेटिंग अकर बिकॉज मेमोरी ट्रेस फेड ओवर अ टाइम एनसीआरटी सी क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रेस टी के थीरी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ बिहेवियर बाय प्रेजेंटिंग द एडवर्सिव स्टिमुलस यहाँ पे इसका स्टूडेंट्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पनिशमेंट ये भी एन का क्वेश्चन है विच साइकोलॉजिस्ट इज नोन फॉर देयर रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड अग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन अल्बर्ट बेंड्यूरा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ री इनफोर्समेंट टिपिकली प्रोड्यूस द हाइएस्ट रिस्पॉन्डिंग इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है तो वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की के लिए द प्रोसेस ऑफ कॉन्सियसली फोकसिंग ऑन प्रोसेसिंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंसरी इन्वामेंट इज कॉल्ड यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी डायरेक्ट एन सी आर टी क्वेश्चन पूछा है सेलेक्टिव अटेंशन के अंदर ये आता है नेक्स्ट है बिहेवियरिस्ट रिजेक्टेड इंट्रोस्पेक्शन मेथड बिकॉज क्योंकि वो ज़्यादा सब्जेक्टिव है इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है साइकोलॉजी में इंट्रोस्पेक्शन इसको हम पढ़ते हैं एडवाइज द कंसेप्ट ऑफ आई क्यू बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन विलियमस्टर्न आई क्यू से हमेशा ही क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ मेमरी इन्वॉल्व द मोटर स्किल्स एंड हैबिट्स यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दैट इज प्रोसीजरल मेमोरी एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन है विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ इनसाइट लर्निंग तो ये है दैट इज कोहलर देखिए एनसीआरटी से बहुत आप मान लीजिए कि आपका नाइनटी एट अप्रॉक्सीमेट नाइन एट परसेंट पेपर आपका एनसीआर टी से पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाई वॉचिंगे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल वर्म फॉर लर्न एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन स्टिमुलस एंड इिलिवेंट स्टमुलस इसका आंसर ऑप्शन ए डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट स्टडीज़ हार्ड टू अवॉइड फॉलिंग अ टेस्ट। ये एक तरह का नेगेटिव री के अंदर आएगा इन क्लासिकल कंडीशनिंग द नेचुरल स्टमुलस बिकम्स द कंडीशन स्टिमुलस थ्रू तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और ऑप्शन डी एसोसिएशन विद कंडीशन स्टमल इसमें से कुछ हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेट लर्न टू प्रेस लिवर इन ऑर्डर टू रिसीव फूड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये ओपरेंट कंडीशनिंग में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु कॉइन टर्म सीरियल पोजिशन इफेक्ट डायरेक्ट एनसीआर टी क्वेश्चन है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा हरमान एभिंगस ऑप्शन ए नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस साइकोलिंग्विस्टिक तो नॉम चम्स की यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी नाइनटीन्थ क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग ने दिया है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा विच टाइप ऑफ थिंकिंग अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम विद सिंगल करेक्ट तो ये हमने क्रिएटिविटी वाले टॉपिक में किया था कन्वर्जेंट थिंकिंग का ये एक उदाहरण है नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व इन रिमेम्बरिंग स्पेसिफिक लाइफ इवेंट एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट सॉरी ऑप्शन सी नॉट ए सी ऑप्शन यहाँ पे एपिसोडिक मेमोरी डायरेक्ट एनसीआर टी क्वेश्चन द टेंडेंसी टू रिमेंबर द बिगनिंग एंड एंडिंग आइटम्स ऑफ टेस्ट बेटर देन द आइटम इन द मिडल दैट इज नोन एज यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ये भी एनसीआर बेस्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट द लॉ ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय लॉ ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय थॉर्नडाइक बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग एट विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द इंटरलाइज्ड एथिकल प्रिंसिपल्स तो ये आपका थर्ड लेवल दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल से पूछा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्याजे के अकॉर्डिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की एज कितनी होती है दैट इज ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी अगर जो है रिसर्च रिसर्चर जो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं अपने नए टीचिंग मैथड और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को तो वो इनमें से कौन सा मैथड उनके लिए मोस्ट सुटेबल रहेगा एक्सपेरिमेंटल मेथड और ये भी डायरेक्ट एन क्वेश्चन है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा देखिए कई बार क्या होता है जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी अगर आपको लगेगा कि को ये क्वेश्चन सही है लेकिन आंसर की में हमें लगता है कि गलत आंसर दिया हुआ है और अगर आप श्योर हैं उसके ऊपर तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं हम डिस्कस कर सकते हैं आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी उसके बारे में लिख सकते हैं तो हम आपको फीडबैक देंगे कहाँ से आप वैलिड प्रूफ क्योंकि एनसीआर का प्रूफ मांगते हैं ये लोग तो हम हेल्प कर सकते हैं आपको प्रूफ देने के लिए वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन इसलिए मैं बता भी रही हूँ कि ये कंसेप्ट एन में है ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका वट इज द पर्पज ऑफ कंट्रोल ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें भी कुछ घुमा फिरा के स्टेटमेंट आपका एनसीआर में देखने को मिलता है फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेन मीडियम मोड से क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा वंस द प्रॉब इज आइडेंटिफाइडर्चर प्रोसीड बाई डिवेलपिंग दी आंसर ऑफ द प्रॉब्लम डायरेक्ट एनसीआर क्वेश्चन हाइपोथिस हम बोलते हैं लास्ट क्वेश्चन द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हुज गोल वॉज आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंस तो स्ट्रक्चरलिज्म हम उसको बोलते हैं ये थी आपकी साइकोलॉजी के आंसर की स्टूडेंट्स अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं और हमारा कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें मैसेज आप अवॉइड ही करें अगर आपकी कॉल दो तीन बार रिसीव ना हुई है तो हमें मैसेज करें मैसेज देखने में कई बार डिले हो जाता है आप लोग जो है वो हमें कॉल करें शाम के चार बजे के बाद ही मोस्टली ठीक है बिकॉज मेरा स्कूल ड्यूरेशन रहता है आजकल तो जुलाई में छुट्टियां चल रही हैं लेकिन जो ड्यूरेशन है स्कूल का तो चार बजे के बाद मैं ज़्यादातर रिस्पांस दे पाती हूँ स्टूडेंट्स को ठीक है तो टाइमिंग आपकी ये रहेगी और बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन टैट के रिगार्डिंग चाहिए तो हमारे चैनल पे बहुत सारी टैट रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी प्ले है एच पी टैट टारगेट एच पी टैट के लिए साइकोलॉजी सेक्शन की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और भी बहुत सारी वीडियोस इस सीरीज़ के अंदर आने वाले हैं रिसेंटली हमने एच पी टैट के लिए जीके सीरीज़ शुरू करी है एचपी जी के हमने कवर किया है ट्वेल्व डिस्ट्रिक्ट ट्वेल्व पार्ट्स में और से रिलेटेड टॉपिक भी अगली वीडियोस में आने वाले हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अगर हेल्पफुल है तो जरूर लाइक कीजिएगा हम मिलते हैं अगली वीडियो में आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग